दोस्तों चलो आज हम जानते हैं कि ब्रेन ट्यूमर क्या है, क्या इसके सिम्टम्स हैं। चलो मिलते हैं डॉक्टर अनुराग सक्सेना से। जैसा कि मुख्यतः सोचा जाता है कि ब्रेन ट्यूमर का खास सिम्टम सरदर्द है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ सरदर्द जो प्रोग्रेसिव हैं, मतलब कि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, स्पेशली जो मॉर्निंग में सुबह आपको सरदर्द के साथ में उठाते हैं और धीरे धीरे कम होते हैं, जिनको जिनके साथ में जी मचलाना या उल्टी होती है, ऐसे सरदर्द इंडिकेट करते हैं कि आपके ब्रेन में प्रेशर बढ़ रहा है, जिसको हम रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर कहते हैं। ये कभी कभी ब्रेन ट्यूमर के कारण भी हो सकता है, इसलिए जब भी आपको ऐसा सरदर्द हो जो बढ़ता जा रहा है, सुबह सुबह ज़्यादा है, उल्टी या जी मचलाने के साथ में एसोसिएटेड है, ऐसे में तुरंत आपको न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी जांच करानी चाहिए। मुख्यतः एक MRI स्कैन के द्वारा हमको पता पड़ जाता है कि इसे ब्रेन ट्यूमर है या नहीं है। बाकी लक्षण ब्रेन ट्यूमर के डिपेंड करते हैं लार्जली कि ट्यूमर का लोकेशन क्या है, मतलब कि वो दिमाग में किस जगह पर स्थित है। ये हो सकते हैं अगर विजन की प्रॉब्लम है, अगर वो आँखों की नसों के पास में या ब्रेन के उस हिस्से के पास में है जो कि विजन से रिलेटेड है, तो आपको विजन में प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब आपकी दृष्टि में प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ पर्टिकुलर टाइप के ट्यूमर्स आपको बेहोशी दे सकते हैं, या दौरे जिसको हम मिर्गी के दौरे या सीजर्स कहते हैं, वो आपको हो सकते हैं। एक तरफ पैरों में या हाथों में झुनझुनी आना, सुनपन आना या कभी कभी कमजोरी आना, ये भी एक ब्रेन ट्यूमर का सिम्टम है। पोस्टीरियर पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर्स जो कि पीछे के ब्रेन की तरफ होते हैं, कभी कभी आपको बैलेंस की प्रॉब्लम, इनकोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम दे सकते हैं, डबल विजन दे सकते हैं, फेस पे दर्द दे सकते हैं, आपको धीरे धीरे सुनने में कमी एक कान में आना अगर आने लग जाए, धीरे धीरे बढ़ती हुई कमी आने लग जाए, आपको TV ज़्यादा वॉइस में देखना पड़े, ऐसे कोई सिम्टम आए, तो भी ये ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है। ऐसे कोई भी लक्षण आपके सामने आते हैं या आपके परिवार में किसी को होते हैं, तो मेरी सलाह यह रहेगी कि आप तुरंत अपने न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपना चेकअप कराएं, क्योंकि ये ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हो सकते हैं।